वन वेलकम टू जतन वर्मा आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल सो टूडे वी हैव कम अक्रॉस अ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी ग्रेट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट बजट मैनेजमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री एफ आर बी एम एक्ट ये बहुत बार आप लोगों ने करेंट अफेयर्स में सुना होगा एंड इट इज़ अ यू नो हॉट टॉपिक फॉर यू पी एस सी सी एस सी सो दिस इज वॉट यू विल भी गोइंग टू स्टडी इन टूडेज वीडियो नाउ दिस इज ऑब्वियसली अटार्टिंग पार्ट सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन यू नो इंडियन इकनॉमी बाई रमेश सिंह बुक सो you can study it from there as well but you know to make it more lucid and more uh, easy to understand we will be dealing it with the today's video so let's get started background क्या है अब इसका सबसे पहले वो जानते हैं एफ act बी एम एक्ट क्यों आया क्यों ज़रूरत पड़ी इस एक्ट की हमें वो हम इस स्लाइड uh, से पढ़ने की कोशिश करते हैं देखो बैकग्राउंड क्या था लेट नाइनटीन एटीज़ में और नाइनटीन नाइन्टीज़ की शुरुआत में क्या हुआ था गोवर्मेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इंडिया ने इतना ज़्यादा लोन वगैरह ले रखा था कि हमारे पास बहुत बुरी सिचुएशन हो हो चुकी थी हमारी इकोनॉमी की जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे तक नहीं बचे थे इवन फॉर टू वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स रिजल्टिंग इन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ नाइनटीन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड यू नो अपू नाइनटीन नाइनटीज हमारी देश की हालत ठीक नहीं थी हम लोगों ने इतने ज्यादा वी वी टोक सो मच ऑफ लोन दैट यू नो गवर्नमेंट लेट टू सच अ प्रकेरियस सिचुएशन दैट गवर्नमेंट वॉज अनएबल टू पे इवन फॉर टू वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स हम कच्चा तेल नहीं मंगा सकते थे दो हफ्ते से ज्यादा तक का सो so इसलिए हमारे पास वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी एंड जिसकी वजह से हमारे को क्या फेस करना पड़ा नाइनटीन का इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा कंसिक्वेंटली इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नाइनटीन नाइनटी वन एंड फिजिकल

उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद थोड़े सालों तक हमारे देश की हालत ठीक चली बट उसके बाद अगेन यू नो फ्रॉम 97 1997 आपका क्या हुआ हालत फिर से थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो गई थी बट विद इन अ डिकेड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज़ एन ई पी द फिजकल कंसोलिडेशन फॉल्टर्ड आफ्टर नाइनटीन नाइनटीन नाइनटी सेवन टू नाइन एट एंड द फिजल डेफिज स्टार्टेड राइजिंग आफ्टर नाइनटी सेवन 98. So सो ऑब्वियसली आपकी हालत फिर से ख़राब होनी शुरू हो गई थी इवन आफ्टर दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज ब्रॉड सो अब उसको ठीक करने के लिए क्या हुआ था आपका जब 2000 जब आपका ये मिलेनियम चेंज हुआ तब क्या हुआ तब यशवंत सिन्हा जो हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया एक एफ बिल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम किस नाम से जानते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल सो ये 2000 में पास uh, 2000 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था एंड देन यू नो एज यूजुअल टाइम लगता है इन चीज़ों में एंड धीरे धीरे करके 2003 में हमारे देश ने इस बिल को अप्रूव किया एंड इट बिकेम इफेक्टिव फ्राम टू सो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वो आपका टू से आपका अभी तक चल रहा है एंड ये क्या कहता है अब बिल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे फिजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजकल पॉलिसी जो आपकी होती है किसी भी सरकार की वो क्या होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी सो फिस्कल पॉलिसी यू नो स्टैंड्स फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ दी गवर्नमेंट सो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट तो जो गवर्नमेंट का बजट है उसको मैनेज कैसे करना है एंड ये जो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर की स्थिति है इसको कैसे रिस्पॉन्सिबिली डील करना है दैट इज़ वॉट दिस Uh, FRBM Act tells us. So the FRBM Act aims to introduce transparency in India's fiscal management system. इन हमारा जो इंडिया का फिजिकल मैनेजमेंट है यानी कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है उसको कैसे मैनेज करना है वो आपका ये एक्ट बताता है The act's long-term objective is for India to achieve fiscal stability. हमारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जो इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आना ये इस एक्ट का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है

क्या फालतू का खर्चा किए जाओ या अपना खर्चा बढ़ाते जाओ इसलिए ही हमें क्या करना पड़ा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना पड़ा नाउ इनिशियली सेंटर और स्टेट्स दोनों को ही बोला गया था कि आप क्या करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को कम्प्लीटली आउट करेंगे मतलब जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट इज आपका राजकीय राज घाटा जो राजकीय घाटा जिसको हम बोलते हैं ये आपका क्या होता है इसको हम आ, मिटाने के लिए बोला गया था एंड कट फिजिकल डेफिसिट टू थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी बाई टू थाउजेंड एट नाइन सो तब आपका क्या बोला गया था कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है आपका राजकोषीय घाटा जो होता है उसको तीन परसेंट तक लेके आना है दो हजार आठ नौ तक और रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपका उसको हमें कम करना है उसको हमें खत्म करना है सारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये चीज़ बोली गई थी पर क्या ये टारगेट अचीव हुए द आंसर इज नो आपका ये टारगेट अचीव नहीं हुआ था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है बिकॉज इसमें एक दिक्कत थी क्या कि जब ये एक्ट आया था तब इसमें एक चीज़ नहीं बताई गई थी हमें कि हमारे लिए कोई एनुअल टारगेट्स नहीं सेट किए गए थे द एफ आर बी एम एक्ट फिक्स ब्रॉड टारगेट्स बट इट फेल शॉर्ट एज देयर वर नो एनुअल टारगेट्स सो हर साल गवर्नमेंट को कितना कम करना है अपना घाटा ये नहीं बताया गया एंड जब ये बताया नहीं गया तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया गवर्नमेंट ने अपना अपना पूरा काम चलाते हुए वहाँ पे इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कि हमें ये घाटा कम कैसे होगा सो so, इसलिए जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी तो यूपीए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ये आपका कम नहीं हो रहा था एफ एक्ट के बाद भी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एनुअल टारगेट्स के लिए क्या किया एफ रूल्स फिक्स किए इस एफ एक्ट के तहत और इन रूल्स uh, के साथ ही उन्होंने क्या किया एनुअल टारगेट्स की सेटिंग अप किया और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करी बिकॉज एनुअल टारगेट्स होने का काम अच्छा है राधर देन यू नो कि कोई टारगेट सेट uh, ही ना करना अगर आप लोग भी सेट नहीं करेंगे रोज़ का टारगेट अपना पढ़ने का तो ऑब्वियसली यू नो द बिगर टारगेट विल नॉट बी अचीव सो दैट्स वाई द एनुअल टारगेट्स वर सेट नाउ इन चीज़ों को समझने के लिए अब हमें क्या चाहिए हमें बेसिक नॉलेज की तरफ वापस जाना पड़ेगा पहले फिर हम इस पूरे फरवी एम को समझ सकते हैं सी वॉट इज डेफिसिट ये डेफिसिट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा पहले देर आर थ्री काइंड ऑफ डेफिसिट इन द बजट देर इज वन रेवेन्यू डेफिसिट द सेकेंड वन इज फेसिकल डेफिसिट एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट सो देर आर थ्री काइंड ऑफ डेफिसिट्स दिस इज प्योर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ बेसिक्स ये यू कैन फाइंड दिस इन योर ट्वेल्थ क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स एन बुक एज वेल सो ये आपका बिल्कुल बेसिक है आपका क्या है नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए डेफिसिट क्या होता है डेफिसिट का हिंदी में बोलते हैं इसको घाटा सो so आपके पास तीन तरीके के घाटे होते हैं रेवेन्यू घाटा फिजिकल घाटा और आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक घाटा इसको हम बोलते हैं क्या क्या होता है इसको डिटेल में लेके चलेंगे सबसे पहले आपका रेवेन्यू डेफिसिट सी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की कमाई गवर्नमेंट की कमाई को हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू बोलते हैं इट अकर्स वैन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसर्ट सो रेवेन्यू खर्चा जब आपका ज्यादा होगा किसी भी गवर्नमेंट का चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसको क्या बोल देंगे हम उस सिचुएशन को बोलते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू घाटा इंप्लीकेशन क्या होगी अब इसकी इम्प्लीकेशन ये चीज़ क्या इंप्लाई करती है कि रेवेन्यू डेफिसिट आ गया तो इससे सरकार के क्या कामकाज पे क्या दर्शाता है ये तो एम्प्लाई ये करता है कि गवर्नमेंट की अपनी कमाई ही इतनी नहीं है कि वो अपने नॉर्मल खर्चे चला सके ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बताता है सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है अब ये भी चीज समझ लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो कि रेकरिंग नेचर का है लाइक द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द पेंशन एक्सेट्रा जो जो भी ऐसा खर्चा है जो कि बार बार आपको देना है हर महीने आपको रेलवे के एम्प्लॉज की सैलरी देनी पड़ेगी हर महीने आपको जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन देनी पड़ेंगी सो so, ये क्या होता है ये रेकरिंग नेचर का खर्चा होता है जो कि सरकारें उठाती हैं हर महीने इसलिए इसको बोलते हैं क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसेप्ट क्या हो जाएंगे ऑब्वियसली रिसेप्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कमाई तो रेवेन्यू कमाई कौन सी होती है वो कमाई जो कि डेली नेचर की, की होगी या जो कि रेकरिंग नेचर की, की होगी जैसे कि आपका जीएसटी कलेक्शन सो जीएसटी कलेक्शन आपका हर महीने होता है और हर महीने होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसेट्स बोलते हैं टैक्स कलेक्शन हो गई आपकी आपके फाइनस हो गए आपका टोल टैक्स हो गया ये सारी चीजें क्या है ये आपका क्या है ये रेकरिंग नेचर की है ये बार बार होंगी ठीक है सो जब आपका ये क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रेसेट से तब आपके पास क्या आएगा घाटा आएगा अगर मेरा खर्चा एक सौ का है और मेरी कमाई सौ रुपए की है तो वहां पर जो दस रुपए का गैप बचा ये क्या बच गया मेरा रेवेन्यू डेफिसिट बच गया ठीक थी, नेक्स्ट चीज आपकी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है फिजिकल डेफिसिट बेसिकली ये क्या बताता है आपको ये आपका राजकोषीय घाटा होता है ये आपका टोटल घाटा होता है जो कि सरकार इनकर करती है अब ये फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है देखिए जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा आपकी टोटल रिसेट से तभी आपको क्या होगा घाटा होगा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा ही होगा तभी घाटा हो रहा है सीधी सब बात है बट फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है फिजिकल डेफिसिट के दो कंपोनेंट्स होते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल सो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कैसे बनता है रेवेन्यू वाला खर्चा मिला लो और कैपिटल खर्चा मिला लो साथ साथ टोटल रेवेन्यू कैसे बनेंगे वो कमाई जो उनकी डेली नेचर की थी और वो कमाई जो कभी कभी की थी अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एनी or it leads to reduction of any liability. यानी कि क्या मतलब हुआ वो, वो खर्चा जिससे कि या तो मैंने कोई अपनी असेट बनाई मैंने अगर मेट्रो ट्रेन चलाई है अगर मैंने मेट्रो स्टार्ट करी है तो मेट्रो क्या है मेट्रो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया उसकी जो भी हमने ट्रेन की पटरियाँ बिछाई उसके लिए क्या हमने फ्लाईओवर्स बनाए आपका डिगिंग करी जो भी काम किया ये पूरा का पूरा सेटअप इंफ्रा जो भी हमने लगाया ये आपका क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर एक्सपेंडिचर क्या है अगर मेरे ऊपर कोई लोन था और मैंने वो लोन क्या कर दिया ख़त्म कर दिया मैंने वो लोन चुका दिया तो ट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि या तो आपकी कोई यू नो असेट बनाए या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी को घटा दे उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं नेक्स्ट इज कैपिटल रिसेट सॉरी कैपिटल इट इज बेसिकलीज रिसेट्स विच रिडक्शन ऑफ और इट लेट्स टू क्रिएशन ऑफ एनी लाइबिलिटी जो कि आपकी असेट को कम कर दे या फिर आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा दे मतलब क्या हुआ मेरे पास क्या था मेरे पास कोई कंपनी थी सरकार के पास एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो सरकार ने बेच दी तो सरकार की क्या हो जाएगी असेट वहां पे कम हो जाएगी ठीक है या फिर सरकार ने कहीं से लोन ले लिया बुलेट ट्रेन के लिए हमने लोन ले लिया तो बुलेट ट्रेन के लिए जो हमने लोन लिया दैट इज कैपिटल रिसेट आपके पास पैसे तो आए बट उससे क्या हो गया आपकी लाइबिलिटी बन गई आपको वो पैसे कल को चुकाने पड़ेंगे सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसेट्स प्लीज अगर किसी को ये चीज समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिमाइंड uh, you know, करके इसको प्लीज देख लीजिएगा एंड चाहे तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं सो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बना आपका रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा दोनों को जोड़ के आपका क्या बना टोटल एक्सपेंडिचर सेम वे टोटल रेवेन्यू कैसे बनेगा जब आप रेवेन्यू और कैपिटल रिसेट्स दोनों को जोड़ दोगे तो वो आपका बन जाएगा टोटल रेवेन्यू सो अब टोटल खर्चे में से अगर टोटल रेवेन्यू आप माइनस कर दो तो आपका क्या निकल के आता है फिजिकल डेफिसिट निकल के आएगा डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यूज रिफ्लेक्स बोरोइंग्स विच द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सो अब ये क्या बना? बताएगा जब ये टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा टोटल तो रिसिप्ट कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो घाटा है इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ेगा सरकार को बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी और इसी बोरोइंग के लिए ये फिजिकल डेफिसिट आपका काम आता है तो फिजिकल डेफिसिट आपको क्या बताएगा कि सरकार को अपना घाटा पूरा करने के लिए कितना बोरो करना पड़ेगा Uh, चाहे वो इंटरनली बोरो करें चाहे वो एक्सटर्नली बोरो करें बट उनको कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा अपना एक घाटा पूरा करने के लिए इंटरनली बोरोइंग कैसे हो सकती है इट कैन बी यू नो थ्रू किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो कि आप पोस्ट ऑफिस से जा खरीद सकते हैं और इट कैन बी एक्सटर्नल बोरोइंग्स लाइक फ्रॉम एनी यू नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आई एम एफ ओ वर्ल्ड बैंक और इट कैन बी फ्रॉम एनी अदर यू नो अदर कंट्रीज गवर्नमेंट तो उसको हम क्या बोल देते हैं बोरोइंग्स एक्सटर्नल बोरइंग्स वो आपकी बन जाएंगी सो फिजिकल डेफिसिट जनरली अकस ड्यू टू इधर रिवेन्यू डेफिट और मेजर हाइक इन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर सो या तो अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठीक है so, मान मा लो गवर्नमेंट ने क्या किया बुलेट ट्रेन के लिए सारा का सारा पैसा लगाना शुरू कर दिया सो दैट इज अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो आपका ऑब्वियसली घाटा बढ़ेगा एंड अगर आपका रिवेन्यू डेफिसट ज्यादा है बिकॉज इस पूरे एक्सपेंडिचर और रिसिट में रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर रिवेन्यू वाली रिसिट्स भी तो आ रही हैं सो रिवेन्यू डेफिसिट इसका एक छोटा सा पार्ट होता है सो so, इसलिए अगर आपका रिवेन्यू डेफिसिट ज्यादा था सो so हो सकता है इस वजह से भी आपका फिजिकल डेफिसिट टोटल घाटा जो आपका आ रहा है वो इसलिए भी ज़्यादा हुआ हो आई होप आई एम क्लियर इन दिस प्लीज़ अगर किसी को ना समझ में देन यू कैन रिवाइन द वीडियो एंड लेसन टू एट अगेन नाउ प्लीज नोट एट डाउन दैट डेफिसिट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट डेट अलग चीज़ होती है डिफिसिट अलग होता है डेफिसिट इज़ घाटा एंड डेट इज़ कर्जा सो so, कर्जा लेना और घाटा होना एक अलग अलग बातें हैं कर्जा लेना क्या होता है डेट क्या होता है डेट इज़ अक्यूमोलेशन ऑफ ईयरली डेफिसिट्स सो so, uh, सरकार ने क्या किया था सरकार ने जितनी जितनील डेफिसिट क्या शो कर रहा है बोरोइंग शो कर रहा है सो so, सरकार ने बोरोइंग्स जो पहले साल में करी जो दूसरे साल में करी जो तीसरे साल में करी और जो अभी तक के जितने भी सालों में सरकार ने बोरोइंग करी है वो सारी की सारी बोरोइंग्स को मिला के क्या बनता है ये पब्लिक डेट बनता है यानी कि कर्जा जो कि देश ने दे रखा है उसको हम क्या बोलते हैं पब्लिक डेट

डेफिसिट आपको क्या बताएगा कि वो जो बोरोइंग हो रही है उस बोरोइंग में कितना हिस्सा ऐसा है जो कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जाएगा प्रीवियस लोन्स पे मतलब क्या हुआ इसका बेसिकली कि मानिए सरकार को अगर घाटा था सौ करोड़ रुपए का और सौ करोड़ के घाटे में से सौ करोड़ का घाटा उसको हुआ तो सौ करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए उसने लोन ले लिया कितने का सौ करोड़ का बट ये जो सौ करोड़ का घाटा आया इसमें एक मेरी पेमेंट वो भी थी जो कि मुझे पुराने लोन्स पे चुकानी थी सो so पुराने लोन्स का आपको ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना जो आपने पुराने इतने लोन ले रखे हैं उसका ब्याज भी तो जाएगा हर साल तो वो जो ब्याज जाएगा उस ब्याज का हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दी प्रीवियस लोन्स सो so, वो वाला हिस्सा अगर आप घटा देंगे किसमें से टोटल डेफिसिट में से अगर आप वो हिस्सा घटा देंगे जो आपको लोन्स की इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए चाहिए था तो आपको क्या मिल जाएगा प्राथमिक घाटा मिल जाएगा प्राथमिक घाटा बेसिकली आपको क्या बताता है कि ये वो पैसा है जो कि मुझे बोरो करना पड़ेगा अगर मुझे वो इंटरेस्ट की पेमेंट ना देनी होती तो तो अगर मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं देनी होती तो मुझे कितना बोरो करना पड़ता वो मेरा क्या बन जाएगा प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा सपोज गवर्नमेंट को अगर हंड्रेड करोड़ का फिजिकल डेफिसिट आया है और जिसमें से कि बीस करोड़ रुपए तो उसे ब्याज की चुकाने हैं पुराने वाले लोन्स के तो उसको एक्चुअल में बोरो करने की इस साल कितनी जरूरत है अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट हटा दे तो दैट इज़ एट्टी करोड़ सो एटी करोड़ इज योर प्राइमरी डेफिसिट बट योर टोटल डेफिसिट योर फिस्कल डेफिसिट अमाउंस टू रुपीज हंड्रेड करोड़ सो सिंपली पुट फिजकल डेफिसिट क्या शो करता है आपको बोरोइंग शो करता है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जबकि प्राइमरी डेफिजिट आपको क्या शो करता है बोरोइंग एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट सो प्राइमरी डेफिजिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट्स को हटा दिया जाता है जबकि फिजिकल डेफिजिट में इंटरेस्ट की पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है दिस इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फिजिकल एंड है ना प्राइमरी डेफिजिट एंडल नाउ कमिंग बैक टू दी एफ आर बी एम रूल्स क्या क्या प्रोविजन थे अब इसमें आई होप आप सबको वो डेफिसिट वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा बिकॉज उसके बिना ये चीज समझ पानी बहुत मुश्किल है सो so अब क्या क्या प्रोविजन थे एफ रूल्स के दो हजार तीन में गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन रेवेन्यू रेवेट फाइव परसेंट एवरी ईयर एंड एलिमिनेटेड बाई टू थाउजेंड एट नाइन सो गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए इसमें कि गवर्नमेंट हर साल अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको क्या करेगी पॉइंट फाइव परसेंट से हर साल कम करती जाएगी और दो हजार आठ नौ तक आते आते ही पूरा का पूरा आपका क्या एलिमिनेट हो जाएगा सेकेंडली गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो अपना फिजिकल डेफिसिट जो यानी कि जो टोटल तो घाटा आता है उसको भी पॉइंट थ्री परसेंट से हर साल कम करती जाएगी और इसको तीन परसेंट तक ले आएगी दो हजार सात आठ में थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी गारंटी नहीं देगी किस पे ऑन लोन्स रेज बाय द पी एस यूज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ मोर देन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जी डी पी इन टोटल तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी एक्चुअल uh, में क्या होता था कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती थी जैसे एयर इंडिया हो गया आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया ये जो uh, आपकी जो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी ये लोग लोन्स लेते थे एक्सटर्नल uh, लोन्स तो एक्सटर्नल लोन्स के लिए क्या होता था कि इसे अगर उन्होंने वर्ल्ड बैंक से या किसी गवर्नमेंट से लोन लिया और उस पर क्या हुआ उन्होंने जब लोन लिया तो गवर्नमेंट क्या करती थी उस पर गारंटी देती थी

हजार करोड़ से ऊपर की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी किसी भी लोन्स को टोटल कंबाइंड करके सारे पीएसयूस को सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलाकर एक हजार करोड़ से ऊपर का लोन सरकार नहीं देगी यानी कि पॉइंट फाइव परसेंट से ज्यादा का लोन नहीं देगी दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल सो आप ये पॉइंट फाइव परसेंट को याद रखिएगा टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल नॉट राइज बाय मोर देन नाइन परसेंट इन अ ईयर सो टोटल लाइबिलिटीज कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है जो लोन वगैरह सरकार ने उठा रखे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट का नौ से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए एक साल में साथ साथ इन एफ रूल्स ने आपको एक चीज और बोली कि गवर्नमेंट को तीन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे रखने पड़ेंगे बजट के साथ स्पीकर के सामने जो कि क्या क्या होंगे आपका एक फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या 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 खर्चा

क्योंकि ये आपका जब ये रूल्स बने और उसके बाद क्या हुआ 2007 हज़ार में एक सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस हुआ था यूएस में जिसको हम रिसेशन भी बोलते हैं कि यूएस रिसेशन आया था 2008 में सो so ये जो 2008 का जो रिसेशन था जिन लोगों ने इस बारे में पढ़ रखा है वेरी गुड जिन्होंने नहीं पढ़ रखा ये जो 2008 का जो भी आपका रिसेशन आया था इसका एक ग्लोबल इफेक्ट पड़ा था और जिसकी वजह से क्या हो गया था एफ के जो टारगेट्स थे वो हमें पुशबैक करने पड़े थे बार बार सरकार उसे पुशबैक कर रही थी क्यों क्योंकि सरकार क्या फॉलो कर रही थी किनिजियन थ्योरी फॉलो कर रही थी वहां पे अब किनिजियन थ्योरी आपको क्या कहती है किनिजियन थ्योरी आपको कहती है कि जब भी कभी अगर कोई रिसेशन आता है या जब भी कभी कोई विपदा आती है देश पे तो सरकारों को क्या करना चाहिए सरकारों को उस टाइम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा नौकरियाँ देनी चाहिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए सो दैट इकनॉमी यू नो गेट्स आउट ऑफ दैट रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन सो किनिजियन कह रही थी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है जबकि एफआरबीएम रूल्स आपको क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे कि आपको खर्चा और अपना घाटा मतलब घाटा कम करना है इसलिए आपको खर्चा कम करना पड़ेगा सो so, क्योंकि एफ रूल्स और आपका किनिजन थ्योरी में थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन हो रही थी इसलिए सरकार ने किनिजन थ्योरी को मानते हुए क्या किया कि हम अपने घाटे वाले जो पॉइंट्स हैं इनको बाद में देखेंगे हम पहले क्या करें इकोनॉमी को रिवाइव करें इकोनॉमी पे कोई आँच ना आने पाए इसलिए हमने क्या किया था जो गवर्नमेंट थी तब की यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था उस टाइम पर किनिजन थ्योरी को फॉलो करते हुए अपने ये डेफिसिट को कम करने वाले टारगेट्स पीछे कर दिए थे यानी कि उन्होंने कहा था कि बाद में हम इसको देखेंगे सो जिन लोगों को पता है शायद उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने की कोशिश करी थी बैंकिंग सेक्टर में बहुत तब जॉब्स आई थी जिससे कि क्या हो रहा था आपका ताकि गवर्नमेंट uh, क्या कर सके रिवाइव कर सके इकोनॉमी को सो गवर्नमेंट आल्सो डेविएटेड फ्रॉम द फिजिकल कंसोलिडेशन ट्रैजेक्टरी ड्यू टू अब ये इस वाले रास्ते से क्यों भटक गए उसका एक और उसके और भी कारण थे क्या क्या द फिजिकल स्टेबुलस पैकेज टू रिवाइव द एंड दिस लेड इकनॉमी डेफिसिट टू सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट सो जब यह आपका क्राइसिस हुआ उस टाइम पर सरकार ने बहुत खुल के पैसा खर्च किया एंड पैसा खर्च करने की वजह से क्या हुआ आपका ये जो डेफिसिट था दैट वॉज रिजन अप टू सिक्स ऑफ द जी सो आपका ये टारगेट जो था वो पीछे खिसक गया एंड उसके बदले उल्टा काम क्या हो गया कि सरकार का खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि उसका घाटा बढ़िया हो गया था अनएक्सपेक्टेड राइज इन ऑफ क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स उस टाइम पे जो आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा थे आज के मुकाबले आज आप सब लोग देख ही रहे पिछले हफ्ते दो तीन हफ्ते पहले तो आपका जो यूएस क्रूड था वो आपका जीरो तक पहुंच गया था सो so, ये क्या था जीरो डॉलर तक पहुंच गया था सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस तब बहुत ज्यादा हाई थे एंड स्टिल गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करके रखा था ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दे रही थी सरकार उस टाइम पे जिसकी वजह से क्या हो रहा था वो ऑटो टिकली वो सारा का सारा प्रेशर सरकार अपने ऊपर ले रही थी जिसकी वजह से फिजिकल आपका डेफिसिट वहां पर बढ़ता चला गया नाउ कंडीशन टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन सो उसके बाद 2012 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे एक्ट के अंदर बट अब कंडीशन एज ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटी सेवेंटी क्या थी? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाके अगर देखें तो सो so गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आई थी आपकी यूपीए पी टू के बाद आपकी एनडीए गवर्नमेंट आई थी एंड उन्होंने क्या किया उन्होंने एक टारगेट सेट किया किसका फिसिकल डेफिसिट का थ्री पॉइंट नाइन परसेंट फॉर द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन विच वॉज अचीव तो सरकार ने क्या किया था अपना फिसिकल डेफिसिट का टारगेट थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द जी डी पी रखा था दो हज़ार पंद्रह सोलह के लिए जो कि अचीव कर लिया गया उसके बाद गवर्नमेंट ने नेक्स्ट टारगेट रखा था थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जी डी पी विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 5.33 लाख करोड़ इन द वैल्यू फॉर 2016-17 व्हिच वाज़ विच वॉज अचीव सो दो साल में दो साल लगातार क्या हुआ जो आपकी मोदी सरकार आई थी उन्होंने क्या किए टारगेट अपने अचीव किए एक बार इसको 3.9 परसेंट पे ले किया फिर और कम करके 3.5 परसेंट पे लिया है विच वाज़ आल्सो अचीव द गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूज द रेवेन्यू डेफिसिट टू 2.02% इन 2016-17 परसेंट एंड टू थाउजेंडेंसटी एज पर कैक्स प्रोविजनल सो आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट था जो आपका रेकरिंग नेचर वाला जो आपका जो घाटा आ रहा था रेकरिंग नेचर के खर्चे और कमाइयों की वजह से उसको भी कम करके 2.02% परसेंट तक ले आई थी सरकार 2016-17 वाले फाइनेंशियल ईयर में दिस वॉज द कंडीशन एज ऑफ टू थाउजेंड नाउ उसके बाद आपका क्या हुआ इनके सिंह पैनल को एक यू नो जिम्मेदारी दी गई कि आप इस एफ़ एक्ट को यू नो स्टडी कीजिए उनके सामने बहुत सारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और रखी गई हैं जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर करी एंड उस रिपोर्ट के बारे में हम क्या करेंगे हम उसके लिए एक नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे सो प्लीज़ डू वॉच दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच विल कम यू नो अप्रोक्सीमेटली टू सो प्लीज़ आई होप यू यू नो यू अंडरस्टूड वॉट वॉज एफ आर बी एम एक्ट उसके बेसिक्स आपको समझ में आए